ओहो दगड़ियो सब लोग ने पहला कोना माना उसका स्वागत छोरे को नहीं ब्लॉग में हो तुम सब ठीक मिला दगड़ियो मलाई एकदम तो दगड़ियो रात तक बैठ गई सात बजे से ब्लॉग की शुरुआत हो रही है और धूप निकली नहीं आज बादल हैं या कोहरा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है पूरे मतलब ये लग रहे दगड़ियो जानी पाँच बैठे दीपावली के कुछ ही दिन बचे हुए हैं कहीं कहीं एक को है कहीं कहीं तीस को आप भी बताना आपके वहाँ कब है राधे राधे गैस सास दगड़ियो देख रहे हो ताकत पुलिस सिलेंडर फिट करने के बाद उबल रही है चाय इसकी चाय जब तक उबलती है मैं निकलता हूँ दगड़ियों तो 7:30 हो गए हैं और धूप अभी तक कोई नामो निशान नहीं है धूप का फिलहाल नाश्ता पानी करके अब चलते हैं दुकान की तरफ निपटाते हैं अपने सुबह के सारे काम फिर मिलते हैं दगड़ियों ठीक है। गुड मॉर्निंग दगड़ियों आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा पहला उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे हम भी एकदम ठीक हैं। तो दोस्तों सुबह का नाश्ता मैंने और पापा ने कर लिया है। पतिदेव जी आजकल नाश्ता नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो डाइटिंग पे है कह रहे हैं कि मैं बहुत ज़्यादा मोटा हो रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है। तो दोस्तों अभी झाड़ू पोछा मेरा ऐसी है खाना आना खा लिया है बर्तन धो लिए हैं झाड़ू पोछा करती हूँ फिर दिखाती हूँ आपको आज का मतलब आज क्या होने वाला है इंटरेस्टिंग। दगड़ियों 11 बजने वाले हैं और अब जाके फ्री हो रखी हूँ मैं। सुबह सुबह के काम ना बहुत हो जाते हैं मेरे लिए झाड़ू पोछा बर्तन सबके साथ जो भी हाउस वाइफ है उनके साथ यही होता होगा सुबह सुबह के काम बहुत सारे हो जाते हैं। और अभी धूप इतनी अच्छी वाली आ गई है यहाँ तो दगड़ियों छत में आई हूँ थोड़ा सा धूप सेकने के लिए और अभी कितनी अच्छी धूप आ गई है देखो वहीं धूप में ये फूल और भी अच्छे लग रहे हैं। आज पता नहीं क्या हो गया था सुबह सुबह कोहरा लग गया था लोगों ने अपने पिनालू के वो पेड़ काट के नौ काट के सुखाने डाले हैं और वहीं चाची भी अपने सुबह के कामों में लग गई है। कुछ ऐसा दिखता है पहाड़ का व्यू। तो दगड़ियों मैंने ना अपनी दिल्ली में इतना ही अपर निकाला था और इस वाले में थोड़ा इतना निकाला था फिर मेरे को वहाँ तक ना यहाँ तक डिज़ाइन समझ में आ रहा था उसके बाद मुझे कुछ समझ में नहीं आया तो मैंने ऐसे भदड़ू बना दिया। अब इस वाले में थोड़ा दिवाली के पहले दिन बनाऊंगी मैं थोड़ा पैर लक्ष्मी माता के पैर वैर बना लूंगी और यहाँ भी मैंने नॉर्मली बनाया आप सभी लोगों को दिखाया ही है मैंने। तो दोस्तों हमारे खेतों में देखो हरी सब्जी होने लग गई है छोटा छोटा धनिया भी होने लग गया है और ये यहाँ पर राहुल ने लगा रखा है संतरे का पेड़ है बता नहीं किसका है नींबू का और ऊपर की तरफ भी खूब सारा कुछ ना कुछ बोया ही है यहाँ भी लहसुन लगा रखा है इसमें भी आज पानी देना है मेरे को अब शाम को दूंगी सुबह सोचा तो था मैंने पर टाइम नहीं हुआ। और यहाँ पे भी धनिया मैंने ऊपर से डाल दिया था इसके क्योंकि इसमें लहसुन काफ़ी इसमें स्पेस बहुत हो रहा था ना तो ये हो भी गया देखो थोड़ा थोड़ा हो भी गया और हरी सब्जी के पत्ते भी हो गए हैं और ये वाला रास्ता ऊपर को जाता है मैं भी इधर को अभी तक नहीं गई हूँ रोड को ही जाता है ये भी पता नहीं। तो दोस्तों अब ना जाड़ों के दिन आ गए हैं तो सारे कीड़े आवाज़ कर रहे हैं इनको ना ये अभी बाहर आ गए हैं धूप सेकने के लिए आप सुन सकते हो कैसी कैसी आवाज़ें कर रहे हैं। दगड़ियो 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 दिन के बजने वाले हैं दगड़ियो 12 और मैं पहुंच चुका हूं घर। घर पहुंचते ही जो है आज मुझे लोलर की आवाज सुनाई दी घोई घोई क्या चल रहा है वाओ क्या बन रहा है दगड़ियो भटके डुबके बन रहे हैं परसों तक ये सील भट्टे में ले तगा पेल पीसा करती थी मैं तो नहीं पीसती थी आपसे पीसा मैं ही पीसता था मैं ही पीसता था अब जो है इसके लिए थोड़ा काम आसान हो गया पापा कल नई जो है एक मिक्सी लेके आए हैं तो कैसा चिता रहे हो मिक्सी में भट पीस के तो दगड़ियो ये आप कैसा चिता रहे हो मैं तो बढ़िया आज मेरे हाथों को थोड़ा सा आराम मिल रहा है और वही जो है इसमें क्या है यार इसमें दगड़ियो चावल जो है रेडी हो रहे हैं भात रेडी हो रहे हैं और वॉलपेपर ये देखो बढ़िया लग रहा है ना दगड़ियो वाओ वाओ। तो दगड़ियो रेडी हो गई है इसकी
भट के डूब के मेरे पतिदेव के हाथ में, वो बात कहाँ है जो मिक्सी में है। दोस्तों डुबके चढ़ा दिए हैं और पापा के लिए बना रहे हैं झोली झोली झोली, क्योंकि ना उनको ऐसी चीजें खाने के लिए बोला है, उबली हुई ज्यादा चीजें नहीं खाने हैं उनको। और ये बन रहे हैं हमारे डुबके। दोस्तों डुबके तो थोड़े से बने हैं, अभी अच्छे से नहीं बने हैं, भात आत बन गया और मैंने पापा का खाना भी तैयार करके रख दिया है। उनके लिए झोली बनाई थी क्योंकि उनको ना उबला खाना ही देना है ऐसा वाला। और अब देखना है ये क्या कर रहे हैं, घर आते ही पता नहीं क्या हो जाता है इनको। सो गए क्या? क्या देखो मेरे मेरे पति क्या काम करके आए हैं, खाना बन पहाड़ गया? खोद के आए हो? खाना बन गया हाँ, ले जाओ, रख दिया मैंने। अरे यार खाने के लिए नहीं बना। जाओ पहले पापा को देखे आओ। चलो यार। तो दोस्तों ये जाते हैं अब पापा को खाना देने। और चटक वाली धूप लगी है अभी अभी। वैसे पहाड़ों में दिन के टाइम गर्मी लगती है क्योंकि सुबह शाम ठंडा होता है। और अब दिसंबर जनवरी में भी ऐसे ही होता है। और हल्द्वानी साइड को, उस साइड को जब मैं पहले रहती थी ना रुद्रपुर, तो वहाँ धूप ही नहीं आने वाली हुई, हम धूप के लिए तरस जाते थे, वहाँ कपड़े नहीं सूखने वाले हुए एक हफ्ते तक। और यहाँ देखो दिन के टाइम चटक धूप लगी रहती है। जाओ फिर, हाँ जल्दी आना दौड़ लगा के। दोस्तों ये चले गए हैं खाना देने, मैं भी थोड़ी देर में डुबके में तड़का लगाती हूँ, फिर हम भी खाते हैं। तो दगड़ियों एक बजने वाला है, कम से कम इसको मैंने 45 मिनट तक पकाया और अब जाके अच्छा सा इसका कलर रियल वाला आया है, पहाड़ वाला। आपको अच्छा लगता है? आपके वहाँ क्या बोलते हैं इसको? भट्टी। हैं? भट्टी। हमारे वहाँ इसको डुबके बोलते हैं। और दोस्तों आपके वहाँ इसको क्या बोलते हैं कमेंट करके जरूर बताना, ऐसे खाने का मन कर रहा है इसको। तो दगड़िया भुप्पी भाई आ चुके हैं स्कूल से। भुप्पी भाई आज एक गाना सुनाएंगे हमको, चल। नमस्कार नमस्कार। हाँ चल समाचार तो सुना। हेलो हेलो हेलो, यहाँ पर दीपू आए, यहाँ पर दोनों स्कूल से चट्टी खोल गए। यार चले। तो देखो यार दो बज चुके हैं और खाना पीना खा के मैं भी निकल चुका हूँ दुकान की तरफ, अब शाम वहीं होगी। यार शाम के बजने वाले हैं 5, अब धीरे धीरे अंधेरा भी होने लगा है। अजान भयंकर जल्दी अन्यार आ जाए यार, पूर्व शाम तक दगड़ियो 6:30 बजे अन्यार हूँ आजकल, मतलब 6 बजे पूरी तरीके से अंधेरा हो जाता है। और जैसे अंधेरा हो जाता है हम दुकान भी बंद ही कर देते हैं। क्या खाओगे तुम? कुछ नहीं, मीट मसाला। मीट खा रहे हो आज? ओहो क्या बात है क्या बात है। तो यार दगड़े 6:30 हो चुके हैं और निकल चुके हैं घर की तरफ को, किड पिटिंग बासन में गया दगड़िया छुड़ा। अब कल को धनतेरस है, फिर दिवाली का भैया अल्ले दिवाली में दगड़ियो कन्फ्यूजन में हूँ। कमेंट मैन रात को कमेंट कर फिर बता दिया, अल्ले को नहीं कमेंट कर फिर जरूर बता दिया कह कदो तारीख दिवाली से। गुड इवनिंग दगड़ियो, तो पतिदेव जी घर आ गए हैं अभी, फ़ोन लेके चले गए थे ना, तो मैं उसके बाद वीडियो नहीं बना पाई और उन्होंने भी कुछ नहीं बनाया होगा मुझे पता है। अब आप सभी लोगों से सीधे अब मुलाकात हो रही है, आपको ले जाती हूँ किचन की तरफ, दिखाती हूँ मैं आज क्या बना रही हूँ। दोस्तों रात हो गई है, घनघोर अंधेरा हो गया है, यहाँ बाघ भी आता है बल यहाँ कभी कभी, और मैंने भी एक दो बार सुन लिया है। यहाँ तो बहुत बड़ी बड़ी झाड़ियाँ हैं, कहीं छुपा रहेगा मुझ पर ही मारेगा सीधे जब पैक। तो दोस्तों आज मैंने बनाई है भिंडी की सब्जी और एक जल भी गई है, मैं उधर चली गई थी ना। अच्छी यार अब मेरे को डांट फिर से पड़ने वाली है, मेरे से हमेशा ना ये भिंडी की सब्जी जली जाती है, हल्की हल्की जल गई है। तो दोस्तों मैं पहुंच चुकी हूँ एक बार फिर से चाची के वहाँ। आज क्या बना रही चाची? क्या बना रहे हो? चाची की फेवरेट सब्जी बन रही है आज, पिनाव की सब्जी। और वहीं राहुल की सुरीली आवाज गाँव गाँव ये हमारे गांव के फेमस सिंगर हैं, अगर आप किसी को भी इनको बुलाना हो तो कांटेक्ट कीजिए, प्लीज नंबर बता दीजिएगा अपना। राहुल तो दोस्तों जो राहुल है ना वो दिन भर रात भर सा मा पा धा नहीं कहता है, चाची बिचारी सो भी नहीं पाती है। कैसा बोलता है? मा पा धा रामा।
मैं वैसे याद कर दूंगी। चलो अरे गा दो हे भगवान, अपनी सुरीली आवाज मार, व्यूवर्स को मदहोश कर दो। तो दोस्तों मेरे से भी ज्यादा अच्छी आवाज मेरे देवर की है और ये मेरे सामने शर्मा रहे हैं। गाओ ना। गा दो ना एक बार। इतना प्रैक्टिस हुआ ही नहीं है अभी। तो तुम गा रहे थे पहली नजर में कैसा जादू कर दिया। आप गाओ। चलो मैं अपने देवर को एक गाना सुनाने जा रही हूँ। और ये बजाएंगे मेरी सुरीली वॉइस में गिटार। दोस्तों मैं मजाक कर रही हूँ, मेरे को कोई गाना आना नहीं आता, अभी इनसे ही 2-3 बार सीखा है और वही रिपीट कर रही हूँ। चलो। दिल खो गया हो गया किसी का, अब रास्ता मिल गया खुशी का, आंखों में है ख्वाब सा किसी का, रिश्ता नया रब्बा दिल छू रहा है, खींचे मुझे कोई डोर तेरी ओर तेरी ओर तेरी ओर। गाओ। आप गाओ, स्टार्ट करो ना, मैं पीछे से आपको वो दूंगी कंपनी। इन्ना सोना क्यों रब ने बनाया, जावा दिल मेरा घूमना, आवा जावा दिल मेरा घूमना। गाओ तो। ऊंची वादी में बसते हैं भोले शंकर। तो मैंने राहुल के साथ एक गाना गाया, आप सभी लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और यहाँ मेरे पतिदेव फिर से लग गए हैं अपनी खुरापाती दिमाग चलाने में। दिखाओ तो क्या कर रहे हो। पे बन रही है पापा की सब्जी, मट्ठा उबाल के वो उसके साथ ही रोटी खाने के लिए बोला है ना डॉक्टर ने, उबला हुआ खाना। और अब तुम क्या बना रहे हो फिर से। तो दोस्तों वही रोज की इनकी कारीगरी शुरू हो गई है, अब अलग सा कुछ स्पेशल बनेगा, वो बनने के बाद ही आप सभी लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। उसको कोई खाता भी नहीं है, मैं भी नहीं खाती क्योंकि उसका नाम भी नहीं पता मुझे, उसका टेस्ट भी अलग ही होता है। और मेरी भिंडी की सब्जी बन गई है, रोटी अब बनाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। तो दोस्तों मेरे पतिदेव जी भजाओ में ही शुरू हो गए हैं, और ये कौन सी सब्जी बनाई है पता नहीं चला है मेरे को अभी तक। कौन सी है आप ही बता दो, नाम तो पता नहीं है पर अच्छी हो गई है। तो दोस्तों 8:30 हो गया है और हमारा खाना पीना भी हो गया है, और कल है धनतेरस, और आप सभी लोगों को हमारी तरफ से धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपके घर में भयंकर धनतेरस के बाद धन की वर्षा हो, इतना बरसे कि संभाल ना पाओ, आप सभी लोगों के घर में इतना धन बरसे। फिलहाल सो जाते हैं दगड़ियों, अब इस वीडियो को रखते हैं दगड़ियों आज इतना ही, अब मिलते हैं कल आपको एक फ्रेश ब्लॉग के साथ। तब तक लिए खुश रहेगा, हंसते रहेगा, मुस्कुराते रहेगा, और सबसे जरूरी बात स्वस्थ रहेगा। जय जय। अगर आप सभी लोगों को हमारी मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना। बाय बाय।